सो गाइज, अगर बिग बॉस ओटीटी के अंदर आपको लव कटारिया, विशाल पांडे और सना मकबूल की दोस्ती बहुत पसंद थी या पसंद आ रही थी तो आपके लिए है बुरी खबर। जी हाँ साथियों, आ चुकी इन तीनों की दोस्ती में दरार। दरार का कारण भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ साथियों, बीते टाइम में यहाँ पर क्या है, बिग बॉस ने एक लव कटारिया को टास्क दिया था जिसमें 20 मिनट में उन्होंने ब्लॉग शूट करना था और हर सदस्य के साथ उन्हें क्या है यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना था। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग के चक्कर में विशाल और यहाँ पर सना मकबूल को भी उन्होंने रोस्ट कर डाला और नेजी को भी रोस्ट कर डाला। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट कर दिए थे सना मकबूल के ऊपर और उनकी अदनान के साथ फाइट भी हो गई थी। आपको यह भी पता है कि अदनान का दोस्त है विशाल और विशाल का दोस्त है लव कटारिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो फाइट हुई थी उसमें भी यहाँ पर क्या है विशाल किसी का स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अदनान का ज़्यादा स्टैंड लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, सना मकबूल भी ओपेंड हो गई है क्योंकि उन्होंने उनके पर्सनल कॉमेंट किए। इसी बात पर विशाल उनको समझाते नजर आए कि भाई तूने यहाँ पर क्या टास्क समझा ही नहीं है, टास्क में तुम्हें क्या है ब्लॉग क्रिएट करना था और वहाँ पर आपको क्या है उन बंदों की बातें रखनी थी, उनसे बात करना था, ब्लॉग शूट करना था, किसी को रोस्ट नहीं करना था। विशाल ये कहते हुए नजर आ रहे थे भाई आपको रोस्ट नहीं करना था। तो इस बात पर क्या है, लव कटारिया ने क्या नेजी से और सना मकबूल से माफ़ी भी मांगी और नेजी को बोला कि भाई मेरे को माफ़ कर दे, अगर जल्दबाजी में ब्लॉगिंग के चक्कर में तुम्हें कोई गलत लग गया हो वर्ड तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और वहीं पर लव कटारिया ने क्या है सना मकबूल से भी माफ़ी मांगी कि भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपको कुछ पर्सनल लगा या आपको कुछ गलत लगा मेरी वर्डिंग वगैरह तो मुझे माफ़ कर देना। तब वहाँ पर सना मकबूल बोली कि मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, इस समझौतों को छोड़ो। तो यहाँ पर क्या है सना मकबूल काफ़ी नाराज नज़र आ रही थी। यहाँ पर क्या है आप तस्वीर में भी देख सकूँ जो कि बहुत ही नाराज नज़र आ रही थी यहाँ पर लव कटारिया से। सॉरी, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इनकी दोस्ती पसंद आ रही तो इसके अंदर थोड़ी सी दरार तो आ चुकी है जो कि बड़ी भी हो सकती है और यहाँ पर अभी इसको मिटाया भी जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। तो आने वाले समय में देखेंगे भाई क्या होने वाला है कि विशाल और लव कटारिया और सना मकबूल की दोस्ती ऐसे कायम रहती है या टूट जाती है। उसके लिए आपको अपडेट देते रहे।